नमस्ते जी, कैसे हो आप लोग। आज मैं एक स्टोर लेके आया हूँ। मेरी एक अच्छी मित्र हैं, वो मेरे सब्सक्राइबर भी हैं, नीतू सिसोदिया। तो उन्होंने कहा मुझे ना स्टोल बनाना सिखा दो, उसका डिजाइन चाहिए था। तो मैंने ये बनाया है, देखो मेरी ऊन कम है इसलिए मैंने छोटा बनाया। देखो कितना सुंदर लग रहा है दो कलर में। तो ये मैंने उनको, मैं इसका डिजाइन बताती हूँ उनको और बताती हूँ कितनी चेन में बना, कितना लंबा बना, तो ये सब बताती हूँ मैं उनको। तो देखो आगे मैंने ये इधर से शुरू करा है, तो मैंने डाली हैं 300 चेनें। 300 चेन के बाद मैंने ये दो लाइन बना के तीसरी लाइन से डिजाइन शुरू करा है। किनारे में मैंने बॉर्डर के लिए मैंने 6 फंदे रखे हैं और बाकी डिजाइन में बताती हूँ। तो मैं आपको दो डिब्बी बता देती हूँ, तो पूरे में इसी तरीके से डलेगा जिस तरीके से मैं डाल के बताऊँगी आपको। तो मैंने 300 चेन डाले हैं, तो आपको थोड़ा बड़ा चाहिए होगा वैसे स्टॉल, तो ये सही लग रहा है इतना लंबा। और बाकी इधर जो आपने वो लगाने हैं फ्रिल जैसे लगाते हैं धागा काट के, तो वो आपकी इच्छा है। मेरे पास धागा कम था इसलिए मैंने लगाया नहीं, मेरा इतना ही बना। तो मेरा जैसे इस साइड बॉर्डर आया था तो मुझे इधर भी आना था, लेकिन मेरी ऊन कम पड़ गई इसलिए मैंने क्रीम से ही इतना बॉर्डर कर दिया इधर। तो मैं बताऊँगी कि इसके बाद जब डिजाइन ख़त्म होगा तो बॉर्डर कैसे बनेगा ये भी बताऊँगी आपको। और ये मैंने चारों तरफ से बॉर्डर डाला, इधर भी बॉर्डर डाला, तो दूसरे कोने में भी बॉर्डर है। तो ये शॉल के दोनों किनारों में बॉर्डर है। तो ये मैं बताती हूँ आगे और मैं दिखाती हूँ कि कैसे लग रहा है, ओढ़ के कैसे दिख रहा है। कल मेरी पोती आ रखी थी, मेरी बेटी की बेटी, तो बार बार डाल के दिखा रही थी कि नानी ऐसे लगेगा। देखो ये देखो डबल करके ऐसे, ये डबल करके कॉलर भी बन जाता है इसमें। देखो ये देखो ये पीछे साइड है, उल्टी पीछे साइड की, ये कॉलर टाइप का भी बन जाएगा आपका, कि जैसे डबल कर लिया कॉलर बन गया। देखो इस तरीके से ऊपर गले में फोल्ड कर दिया तो ये कॉलर बन जाएगा। ये साइड डाल के यहाँ आपको फ्रिल लगानी होगी, वो जो कट पीस जो लगते हैं तो आप लगा सकते हो, नहीं भी लगाओगे तो चलेगा, लेकिन लगा लेना थोड़ा दूर दूर लगा लेना चाहे। देखो इस तरीके से ये डाल डाल के दिखा रही है, बहुत शौक है बच्चों को इस तरीके का। तो मेरे पास ऊन कम थी इसलिए मेरा थोड़ा छोटा बना, तो आप देख लेना। अब मैंने 38 चेन डाली हैं, 38 चेन में मैं ये आपको दो डिब्बी डाल के दिखाऊंगी, उसी तरीके से पड़ेगा सारे में। तो पहले मैं किनारे में 5 ले लूँगी इसमें, उसमें मैंने 6 लिए हैं, आप 5 भी ले सकते हो, ऐसा नहीं है कि। तो मैं पहले 5 प्लेन चेन ऐसे इस तरीके से ले लेती हूँ, 3 4 5 5 चेन ले ली, फिर एक चेन ले लिया, फिर एक छोड़ के दो बनाने पहले यहाँ पे हमने एक चेन ली बीच में, एक छोड़ के फिर हमने दो बनाए, फिर यहाँ पे हमने एक और छोड़ देना है, एक छोड़ के फिर दूसरे में लगाया। तो देखो ये बीच में छोड़ दिया, एक चेन ले लिया, अब 9 बनाने हैं हमने। तो मैं पहले ये ऐसे 9 बना लेती हूँ, फिर आगे दिखाती हूँ क्या करना है। 9 बनाने के बाद हमने 2 चेन लेनी है, 2 चेन ले ली, फिर हमने 2 चावल छोड़ देने हैं, फिर हमने 9 बनाने हैं, फिर आगे 9 बनाने। इसी तरीके से पूरे में डिजाइन पड़ेगा। देखो पहले बॉर्डर, फिर एक चेन छोड़ के 2 बनाए, फिर 2 में एक चेन छोड़ के फिर 9 बना लिए, फिर यहाँ पे बीच में 2 चेन छोड़नी, 2 ये चावल छोड़ देने, फिर 9 बनाने हैं। 9 बन गए, 2 चेन लेनी है हमने, एक चेन लेनी है, क्योंकि मैं तो उसमें तो हमारा पूरा इस तरीके से चलेगा, 2 चेन छोड़ के ये इस तरीके से चलेगा। लेकिन मैं यहीं पे डिब्बी ख़त्म करती हूँ, तो मैं एक ही चेन लूँगी और यहाँ पे 2 बनाऊँगी, फिर बॉर्डर बनाऊँगी। क्योंकि आपको और आपने जब डालना है तो आपको पूरे स्वेटर में आखिरी में आएगा ऐसा, जैसे ये शुरू में करा था, तो आपको बिल्कुल इसमें पूरे शॉल में इस तरीके से डालेंगे। 9 2 चेन छोड़ के जितने आपके फंदे होंगे, मेरे मैंने तो 300 चेन डाली थी, तो आप किस तरीके से बनाओ, मैंने यूँ लंबाई उस चौड़ाई के हिसाब से बनाया था। मैंने एक चेन छोड़ी, एक चावल छोड़ा, 2 बनाए, मैं ये आखिरी का बता रही हूँ, ये लगा लो तुम आप आगे। फिर एक चेन छोड़ी, फिर यहाँ बॉर्डर में 5 बना रही हूँ अब की बार, उसमें मैंने 6 बनाए हैं, तो आप 5 6 4 आप अपने हिसाब से बना सकते हो बॉर्डर के, कितना चौड़ा बॉर्डर चाहिए, तो किनारी चाहिए तुम्हें, आप लोगों को तो इस हिसाब से डालना पड़ेगा ना। मैं तो ये शुरू का और आखिरी का बता रही हूँ, क्योंकि मैं तो 2 डिब्बी डाल रही हूँ, तो इसलिए तो आपको तो ऐसे ही डालने हैं। देखो
नौ नौ नौ, ये दो चेन छोड़े हैं, बीच में दो चावल छोड़े हैं, इस तरीके से ये पूरा इस तरीके से बनेगा। जब जाके मैंने तो यूँ बनाया, तो आप यूँ कम फंदों वाला यूँ लंबाई में भी बना सकते हो, मैंने चौड़ाई में बनाया। और मैं ये आखिरी का बता रही हूँ, देखो ये नौ के बाद मैंने दो चेन और ये वो ले लिया, तो मैं एक शुरू कर आखिरी का, क्योंकि दो डिब्बी के बीच में इतना ही आएगा। तो आपको तो ये पूरा इस तरीके से डालना है, नौ फिर दो चेन डालनी है, दो छोड़ने हैं, नौ, इस तरीके से आपको अपना डिजाइन यहाँ आखिरी में बैठाना है। तो मेरे 300 चेन में बैठा था, आप थोड़ा सा ज़्यादा डाल सकते हो तो डालना चाहोगे तो डाल सकते हो, नहीं तो इतने में भी लंबाई काफ़ी हो रही है। फिर वापस आ गई मैं, पांच बना लिए बॉर्डर के, फिर चेन डाल ली। फिर देखो आपकी बार क्या करना है, ये दो बनाने हमने, फिर अब हमने चार चेन बनानी है, एक दो तीन चार। फिर जो हमने ये नौ बनाए तो हमने चार इधर छोड़ देना, तो बीच का जो है हमारा, तो एक दो तीन चार, चार छोड़ के हमने पांचवें में इस तरीके से लाना है, ऐसे बना देना है। देखो इसमें दो बनाए, फिर दो चावल लिए, फिर दो बनाए, ये इस तरीके से। फिर अब क्या करना है, एक दो तीन चार, चार चेन लेके बिना फंदे का, ये जो हमने दो चेन बनाई थी, दो चावल छोड़े थे उसके बीच में, इस तरीके से बांध देना है। फिर एक दो तीन चार, फिर चार चेन ली, फिर हमने पांचवे नौ हैं तो चार चार हमने अलग ये दो हिस्सों में बांट देना है, एक दो तीन चार, पांचवे के बीच में हमने ये दो बना लिए, दो चेन ले ली, फिर दो और बनाने हैं इसके बीच में, एक दो, फिर हमने चार चेन लेनी है, एक दो तीन चार, चार चेन लेनी है। उसके बाद हमने यहाँ कहीं नहीं डालना, ये जो दो हैं हमारे सीधा इसके ऊपर, जैसे हमने यहाँ से सीधा लिया था, देखो दो के ऊपर से लिया था, इसी तरीके से हमने इसके ऊपर ऐसे बना के ले जाना है। फिर बॉर्डर बॉर्डर जैसा ही बनाना है, बीच में एक चेन इसलिए डाल रहे हैं कि थोड़ा सा पता रहता है कि बॉर्डर उसके पार बॉर्डर है, तो थोड़ा सा जाली सी अच्छी लगती है बीच में। फिर हम बॉर्डर बना के आ गए, एक चेन ले ली हमने, फिर यहाँ पे वही दो बनाने हैं। अब की बार भी फिर हमने चार चेन लेनी है, एक दो तीन चार, ठीक है। चार चेन लेने के बाद अब हमने क्या करना है, इनमें भी बढ़ाना है, जो हमने दो बनाए थे, देखो पहले यहाँ से ले लिया, एक दो, जो पहले हमने दो बनाए थे, अब इसके बीच में से लेना है। फिर हमने उसी तरीके जैसे पहले लिया, एक बन गया, दो बन गया, दो चेन बन गई, फिर दो ले लिया, फिर जो पहले के दो हैं उनमें ले लिया, ठीक है। फिर एक दो तीन चार, चार चेन लेके फिर जो हमने जैसे पहले बांधा था इसी तरीके से हमने इसके बीच में डाल के ऐसे बांध देना, ये एक दो तीन चार, इसी तरीके से तुम्हारा पूरा सॉल में, पूरे स्टॉल में इसी तरीके से जाएगा, दो तीन चार, फिर दो चेन, फिर चार बीच में, ये फंदे हमारे बढ़ जाएंगे। फिर ये जो दो हमारी साइड में पहले की पंखुड़ियाँ हैं, ये दो चावल जो हैं इनके ऊपर भी बनाना है। फिर एक दो तीन चार, फिर चार बनाए, फिर यही दो के ऊपर लेना है हमने, यहाँ बीच में नहीं लेना है, ये दो के ही ऊपर लेना है हमने, लास्ट में, ये लास्ट का है, ये इधर लास्ट का है, ये शुरू का है, तो बीच में तो तुम्हारा इसी तरीके से जाएगा ये। अब हमने ये बना के वापस आ गए, फिर मुड़ के ये पांच वो बना लिए बॉर्डर के, एक चेन फिर दो चावल। अब चेन नहीं बनानी हमने, अब क्या करना है, हमने सीधा जो ये बनाए हमने बीच का फूल, इसके किनारे से ले लेना है। अब की बार हमारे आधे हिस्से में छः हो जाएंगे, दो हो गए, तीन हो गए, चार, पांच और एक छः, फिर दो चावल, दो चेन, फिर दो ले लिया, फिर जाली से हमने, फिर इनके ऊपर जो चार पहले के हमारे इनके ऊपर बनेंगे, तो छः इधर छः उधर बन गए, मतलब ये तीन सलाई, तीन लाइन का है ये, तो ये हमारी डिब्बी बन गई एक। अब यहाँ पे हमने कुछ नहीं करना, हमने सीधा यहाँ से फंदा लेके इधर वाला फूल जो है इसमें छोड़ देना है, इसमें कुछ नहीं करना है, यहाँ ले लेना है, ठीक है। ये देखो
इस तरीके से ये फूल बन गया। ये तीन तीन लाइन का है। अब मैं दो कलर में बनाया था मैंने, मैं आपको दो कलर में ही बताऊंगी कि किस तरीके आप एक कलर में भी बना सकते हो। देखो बना लिया हमने, ये छः हो गए हमारे, दो चेन लेके छः हमारे इधर भी होने चाहिए, दो हो गए, तीन, चार, पाँच, छः। अब चेन नहीं लेने हमने, कुछ नहीं लेना, सीधा फंदा डाल के हमने जो दो चावल जो हमने साइड में बनाए हैं उसके आउटलाइन के लिए सीधा ऐसे ही बना देना है, ताकि हमारा पहले बढ़ रहा था अब हमारा ये सुकड़ गया, देखो बीच में अब बराबर आ गया। बाकी हमने ये बॉर्डर फिर वैसे ही बनाना है। अब मैं यहाँ से दूसरा कलर लगा दूँगी, ठीक है। एक मैंने हुक में ले लिया था, देखो एक दो तीन, तीन ले लिए। अब फिर वही बॉर्डर के मैं बॉर्डर जैसा बना लेती हूँ पहले। अब मैं ये बताती हूँ दो कलर किस तरीके से जाते हैं। देखो ना कहीं धागा दिख रहा है, दो कलर एक साथ कैसे जाते हैं, ना कहीं धागा तोड़ना पड़ता है। तो मैं इस तरीके से बताती हूँ आप लोगों को कि मैं दो कलर किस तरीके से लेके गई हूँ। क्या होता है कभी एक बारी धागा इधर रह जाता है, कभी एक बारी उधर रह जाता है, तो क्या करना होता है मैं बताती हूँ आपको, आप दूसरा कलर डाल के कि कैसे बनाना है। अब ये बॉर्डर बना लिया मैंने, ये दो चावल बना लिए, ठीक है, एक चेन डाल के। अब फिर वही हमने एक दो तीन चार, अब दूसरे कलर की दूसरी डिब्बी शुरू हो रही है हमारी, एक डिब्बी तो हमारी ख़त्म हो गई। फिर उसी तरीके से बनाना जैसे हमने पहली लाइन में बनाया, नीचे से दो दो चेन, ये चार चावल आ गए बीच में, फिर एक दो तीन चार, चार लेके जो हमारी ये जगह है, ये देखो जहाँ हम पहले ये ले रहे थे, ऐसे लेके ये बना दिया, एक दो तीन चार, इस तरीके से, इसी तरीके से वो जैसे हमने नीचे की डिब्बी बनाई उसी तरीके से ऊपर की डिब्बी भी बनेगी। जैसे ये बनाया ये भी ऐसी बना के दिखाते हो, ये बना लिया। अब सीधा ये चावल के बीच में लेना होता, सबसे शुरू में और आखिरी में चावल के बीच में लेना होता, तब हमारी डिब्बी इस तरीके से, इसके यहाँ कहीं बीच में नहीं लेना, ये चावल के बीच में लिया, यहाँ भी चावल के बीच में लिया मैंने। फिर वापस आ गए, फिर चार चेन फिर लेनी है, ये लगा लेना जैसे तुमने शुरू की डिब्बी डाली है, दूसरी डिब्बी भी उसी तरीके से डलेगी, जितनी भी डिब्बियाँ डालनी है उसी तरीके से डलेगी। एक डिब्बी तीन सलाई में ख़त्म हो जाता, तीन बारी तीन राउंड में ख़त्म हो जाती है एक डिब्बी। ओह यहाँ पे मुझे यहाँ से लेना था, यहाँ से लेना था, ये बातों बातों में भूल गई, दो, फिर यहाँ पे दो और आ जाएंगे इसके जाली के अंदर, फिर दो चेन आ जाएगी, फिर दो, इसी तरीके जैसे हमने ये दूसरी लाइन बनाई थी, फिर तीसरी लाइन इसी तरीके से बनेगी। जैसे देखो अब मैं ये फूल बना देती हूँ आपको, फिर मैं आगे दिखाती हूँ। दो ले ले, दो जो पहले के बने हुए थे चावल उनके अंदर से ले ले, फिर एक दो तीन चार, फिर इसके बीच में से लेना है, ये बांध देना है। देखो यहाँ तो बनता नहीं है क्योंकि यहाँ तो हमारी चेन आएंगी, ये चावल के ऊपर आ रहे हैं, बंधेगा यहाँ बीच में, जितने भी आएंगे तुम्हारी डिब्बियाँ जितनी भी आएगी सभी इसी तरीके से बंध के जाएगी। फिर चार चेन ले ली, फिर ये इस तरीके से दो तीन चार, एक दो, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, फिर ये चावल के ऊपर आ गई लास्ट में, क्योंकि मैं दो डिब्बी दिखा रही हूँ इसलिए सीधा चावल के ऊपर आ जा रहा है। देखो अब लास्ट में क्या करना है, हमने दूसरा धागा भी लाना ऊपर, तो देखो ये धागा हमारा नीचे था, ये भी इस तरीके से इसके साथ बुन के आ गया, देखो तोड़ना भी नहीं पड़ेगा। ये देखो ये ले आए हम ऊपर ले आए, अभी हमने एक लाइन और बनानी है ब्लू की, तो पहले हम ब्लू की लाइन बना लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। इसके ब्लू में फिर हमने एक चेन और बना देनी है, दो चेनें, ताकि हमारा उसकी सॉरी इस वाले कलर की बनानी है हमने, दूसरे वाले कलर की। ये ले आई मैं दो चेन ऊपर लेके आ गई इसे, ये ब्लू वाले को लेके आ गई, एक हमने इसकी लगा लेनी, फिर हमने अपने जिस रंग से बन रहा है तीन लाइन में डिब्बी पूरी हो जानी है।
अब की बार कोई चेन नहीं लेने, कुछ नहीं लेना, सीधा ही हमने दो चावल के ऊपर से बना के ये तीसरी लाइन जा रही है, अब ये वाली डिब्बी हमारी ख़त्म हो जाएगी। ये बना के ले जाने, दो तीन चार पाँच छः, फिर दो चावल, इसी तरीके से ये डिब्बी भी बनेगी, इसी तरीके से बनेगी, एक दो तीन चार पाँच और छः। अब यहाँ पे हमने कुछ नहीं लेना है, खाली फंदा लेना है और हमने दूसरे फूल में अटैच कर देना है, देखो इस तरीके से। जैसे हमने ये बनाया, अब हमें इसको भी इसी तरीके से बनाना है। अब हमारी ये लाइन पूरी हो गई, ये डिब्बी भी पूरी हो गई। अब हमने धागा यहीं छोड़ दिया, थोड़ा सा लंबा खींच के छोड़ देना है। अब जो धागा हमारा इधर है तो हमने तोड़ना नहीं है, हमने यहीं से वापस जाना है। दो रंग में बना रहे हो तो एक रंग में तो आपका एक ही धागा जाएगा। तो फिर देखो ये ले ली हमने चेन, तीन चेन ले ली, फिर इस तरीके से जितने फंदे हैं उसी तरीके से जाएगा। जब जो धागा जहाँ छूटा तीन लाइन के बाद, जिधर भी छूटा है, फिर क्रोशिया उधर ही ले जाना है, वहाँ से वापस आ जाना है, इसमें तोड़ने का नहीं होता है। फिर देखो ये यहाँ छूट गया, ये जब बनेगा तो ये बनेगा एक लाइन दो लाइन तीन लाइन, ये दोनों एक साइड हो जाएंगे। फिर अगली बार एक बारी इधर छूट जाएगा धागा, एक बारी उधर छूट जाएगा धागा। देखो जब हमने लास्ट में आना है तो हमारे धागा छूटा हुआ है, तो हमने फंदा डाल लिया। देखो इस धागे को बाहर खींच देना है और इन दोनों को इस तरीके से, देखो इस तरीके से बुन के ऊपर ले गए। ये देखो ऊपर आ गया, तीन चेन ले ली, फिर जिससे हम बना रहे हैं उसे बनाएंगे, बाकी दूसरे को छोड़ देंगे। देखो किनारे में इस तरीके से चला जाएगा, ना धागा काटना पड़ता है ना ज़्यादा मोटा दिखता है, बराबर पे चला जाता है। आप चाहो तो तीन कलर में भी बना सकते हो, दो में भी बना सकते हो, एक में भी बना सकते हो। मैं तो ये तो आपको वैसे ही दिखा रही हूँ कि दूसरे कलर में, पर मेरे पास वही कलर था तो मैंने उसमें बताया आपको। देखो मैंने एक डिब्बी और बना ली, डिब्बी जैसे शुरू में बनी वैसी दूसरी बनेगी, वैसी तीसरी जितनी लंबी बनानी है आपको, ठीक है। अब मैंने यहाँ से ब्लू से शुरू करा, अगर आप दो कलर में बनाते हो तो पहले ब्लू से शुरू करा तो ये ब्लू है, तो ये लास्ट में भी मेरी तो कम थी ऊन इसलिए नहीं आया ऑरेंज। तो अब मैं ये बता देती हूँ कि बॉर्डर बंद कैसे करना है, कि जब हमारा ख़त्म हो जाए तो हमारी जितने 38 जो चेन है, हमारी 38 चावल हैं, तो हमारे 38 ही आने चाहिए, फालतू नहीं आने चाहिए, नहीं तो झोल पड़ जाएगा। तो मैं वो दिखाती हूँ आपको। अब मेरा जो है ये बॉर्डर इधर आ रहा है, तो ये मैंने क्रीम डाला, तो चलो कभी ऐसा होता है कि फोल्ड करके डाल रहे हैं हम, तो कभी क्रीम आ गया ऊपर, क्रीम भी कम पड़ गया था, नहीं तो एक लाइन और बनाती। ये बचा हुआ धागा था इसलिए थोड़ा, और कभी ऐसे डाल दिया जब फोल्ड करके डाल रहे हैं हम सॉल को, और कभी ऐसे डाल दिया, इसमें एक लाइन और आ जाती तो थोड़ा और चौड़ा दिखता है, पर था ही नहीं, तो इसलिए मैंने इतना ही आपको दिखा रही हूँ कि कैसे बनाते हैं, कैसे किस तरीके से बनेगा। आपने मेरे से पूछा, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अभी और एक सॉल, अभी एक दो सॉल अभी दिखाती हूँ आपको, तो उनका डिजाइन मैं आप लोगों को फिर डालूंगी जब मेरे पास धागा आ जाएगा। धागा आएगा मेरा 15 तारीख के बाद। यहाँ की मार्केट जो है, इनमें मार्केट तो खुल गई लेकिन धागा नहीं मिल रहा है, डर के मारे अभी हम मार्केट नहीं जा पा रहे हैं कि कोरोना के चक्कर में। अब मैंने दूसरा धागा तो तोड़ दिया, क्योंकि मैं तो इतना ही दिखाऊंगी। अभी जैसे बॉर्डर है, बॉर्डर के तो पूरे लेने हैं, 5 थे मेरे, मैंने 5 ले लिए, एक चेन ले लिया, ये 2 थे, ये 2 ले लिए। अब हमने 4 चेन लेनी है, 1 2 3 4। अब हमने यहाँ क्या करना है, एक ही लेना है, हम इसमें 4 ले रहे थे ना, तो एक ही लेना है ताकि हमारे फंदे ना बढ़े, थोड़ा लूज जाए ताकि हमारा फंदा उड़ जाए। 2 3 4, 4 के बाद हमने इसमें हमारे 2 चेन छोड़ रखी थी हमने पहले शुरू में, यहाँ पे हमने 2 चेन छोड़ी थी ना, 2 चावल छोड़े थे, इसके अंदर हमने 2 बनाने हैं। बस इस तरीके से हमारे फंदे पूरे के पूरे भी हो जाएंगे और झोल भी नहीं आएगा। 1 2 3 4, 4 के बाद ये इस तरीके से ही बनेगा। ये यहाँ पे चावल के ऊपर आ गया, 2 चावल के ऊपर, 1 चेन, बाकी जो बॉर्डर के हैं बॉर्डर के ही, फिर मैं यहाँ तक आती हूँ फिर दिखाती हूँ। मैंने इसमें एक ही लाइन से शुरू करा था बॉर्डर का,
एक ही लाइन डाली थी, जो हमने चेन बनाने के बाद दूसरे में से तो डिजाइन ही शुरू हो जाता है। तो आप बॉर्डर बना लेना पहले, दो सिलाई या तीन सिलाई जो भी हो, जितना भी आपको अच्छा लगेगा, नहीं तो आप इतना भी बना सकते हैं, ऐसे कुछ नहीं है। अगर इसमें फुंदने डालने हैं तो इतना भी अच्छा लगेगा। तो मैं बताती हूँ आपको, अभी आप मैंने ये बना लिए बॉर्डर, जो बॉर्डर के हैं किनारे में, ये दो बन गए। अब हमारे यहाँ पे नौ थे, ये चावल हमारे नौ थे, ये तो यहाँ से यहाँ तक हमारे नौ ही आने चाहिए थे। तो देखो चार हम इसमें उठाएंगे, एक हमारा बीच में जो बंदा है, फिर चार इधर, तो नौ फंदे हो जाएंगे हमारे। तो इस तरीके से हम जो हमने चावल डाले हैं, चेन डाली हैं, इस तरीके से हमारे चार चेन थी, तो चार ही उठेंगे इसमें। दो तो हमारे थे ही, देखो चावल के जो चावल, चार और बना लिए। अब एक इसके अंदर बनाना है हमने, जो हमने सिंगल बनाया था, फिर चार और बनाएंगे हम यहाँ पे। ये दो के बीच में हम चार और बनाएंगे, चार चेन है हमारी। तो हम चार चावल उठा लेते हैं पहले, उठ गए दो हमने ले लिए। थोड़ी सी चेन को हमने यूँ घुमा के थोड़ा सा, ताकि हमारी सीधी साइड आए, जहाँ से हमारी चेन की फिनिशिंग आएगी। इस तरीके से चार हमने इसमें उठाने, तीन और एक, थोड़ा घूम जाती है चेन, तो इसलिए इस तरीके से घुमा के हमें थोड़ा सा उसकी फिनिशिंग वाली साइड लेनी पड़ेगी। ये फिर एक हमने जो ये बनाया था इसके फूल के ऊपर, इस तरीके से हमारा ये बॉर्डर आ जाएगा। देखो ये बॉर्डर के ऊपर बॉर्डर पड़ जाएगा, जहाँ से चेन सीधी लगती है तुम्हें, ये जो चेन डाली थी हमने बीच में, ऐसे ही उठा लेना। तो देखो ये किनारी सी आ जाती है, जैसे हम शुरू करते हैं इस तरीके से। अब लास्ट में हमने क्या करना, हम पांच के बाद एक चेन ले रहे थे, तो अब हमने चेन नहीं लेनी, उस जगह में से हमने एक चावल उठा देना है, बस एक इधर से, एक आखिरी कोने से, ताकि हमारे फंदे बराबर आ जाएंगे। बाकी हमने सीधा इस तरीके से बना देना है। तो ये हमारा बॉर्डर बन गया, बाकी इसमें कुछ नहीं करना, ताकि हमारी ये जाली बंद हो जाएगी। इसके बीच में हम एक चेन ले लें, जहाँ हम चेन ले रहे थे बॉर्डर के साथ में, तो वहाँ हमने चावल उठा देना है, इधर भी इधर भी। देखो आ गया हमारा बराबर, ये ऊपर भी आ गया, बॉर्डर भी आ गया, नीचे की शुरुआत भी है। ये इस तरीके से ये डिजाइन बनेगा। एक बार ये डिजाइन, ये देखो इसी तरीके से डिजाइन पड़ेगा बीच में। देखो देखो नीचे रख के दिखाते हूँ, ये बस मैंने तो शुरू और आखिरी लगा लो दो फूल का दिखाया आपको। तो आपको पहले पूरा ये डिजाइन डालना है, तब लास्ट में जैसे हमारा शुरू में आया वैसे हमारा लास्ट में आएगा। ये मैंने 15 साल पहले अपनी बेटी की शादी के लिए बनाया था, तो कल मैंने उससे मांगा था, मैंने कहा मुझे YouTube पे दिखाना है, एक मेरी सब्सक्राइबर है, उनको स्टॉल का चाहिए था, तो हो सकता है सॉल का भी मांगे, तो मैं इसको जब मेरे पास ऊन आ जाएगी तो मैं खुद ही डाल दूंगी। तो देखो आपको इस तरीके से फुंदने बनाने, तो एक आउटलाइन इस तरीके से कर देना, नहीं भी करोगे तो बीच बीच में से डाल के भी। ये तो ये मैंने पतली ऊन का, ये जितनी पतली ऊन का बनाओ उतना ज़्यादा अच्छा लगता है, हल्का लगता है। तो ये सॉल है पूरा, ये सॉल टाइप का है, वो स्टॉल है, ये सॉल है पूरा। इसका मैरिज उसका उसकी मैरिज के लिए बनाया था मैंने ये। तो अब देखो मैं इसका डिजाइन अगले उसमें डालूंगी जब मेरे पास धागा आ जाएगा। नीतू सिसोदिया जी, आपके पास ये डिजाइन पहुंच जाएगा, आई होप आप देख ही लोगे, नहीं तो मैं देखती हूँ, नहीं तो मैसेज करूँगी आपको। तो आपको कैसे लगा डिजाइन, और आप कुछ भी पूछोगे मैं बता सकती हूँ आपको आगे, और नहीं भी आएगा तो भी बताना मुझे, और कैसे लगा आपको ये डिजाइन। थैंक यू, और बाकी सब मुझे लाइक ज़रूर किया करो, मुझे सब्सक्राइब नहीं करते लोग, लाइक नहीं करते हैं, पता नहीं मैं इतनी अच्छी अच्छी वीडियो बनाती हूँ फिर भी पता नहीं क्यों नहीं करते हैं लोग मुझे लाइक। थैंक यू, अगली वीडियो का इंतज़ार करना, देखो मैं क्या डाल पाऊँगी। Thank you.